नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। अगर आपका पीएचडी टॉपिक तो फाइनल हो गया है बट यू आर स्ट्रगलिंग हाउ टू राइट इट्स साइनोप्सिस, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम साइनोप्सिस राइटअप कैसे करें, क्योंकि रिसर्च बेसिकली साइनोप्सिस से ही शुरू होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो हमने इनिशियल फेज में डिसाइड करना होता है और जिसके बेस पे आपकी पूरी रिसर्च बेस्ड होती है। तो हम जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो आजकल यूज हो रही है, दैट इज चैट जीपीटी विच इज एआई बेस्ड एलएलएम मॉडल, हम उसको यूज करके अपने इस काम को बहुत इजी कर सकते हैं, जो इस काम को बहुत एफिशिएंटली और प्रोफेशनली आपको करके देगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम यही सीखते हैं ये कैसे करें। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू समराइज कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे, कि लिटरेचर का ओवरव्यू कैसे करें, उसकी टॉप साइटेशंस कौन सी होंगी, रिसर्च गैप्स और चैलेंजेस कौन से होंगे स्टडी में, और उसके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम गूगल में चैट जीपीटी सर्च करेंगे, सबसे पहला ही लिंक हमारे पास आ जाएगा, तो हम या तो लॉग इन करेंगे या साइन अप। सो आई विल क्लिक ऑन लॉग इन because I already have account in this. There are three options: continue with Google, continue with Microsoft account, or continue with Apple. So I will continue with Google account. I will choose my account and it will be logged in. तो यहाँ पे हम new chat पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इंटरफेस चैट जीपीटी का ओपन हो गया है। वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन विच इज जीपीटी 3.5। तो ये क्वेरी बॉक्स है जहां पे हमने अपनी क्वेरी लिखनी होती है, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट हम अपनी क्वेरीज में अब टाइप करेंगे, प्लीज हेल्प मी विथ लिटरेचर रिव्यू ऑन एआई फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग। लेट सपोज हमारे सुपरवाइजर ने हमें ये वाला टॉपिक, रिसर्च टॉपिक दे दिया है, बट हमें नहीं पता चल रहा हम कैसे स्टार्ट करें, तो हम उस टॉपिक का नाम इसमें लिखेंगे एंड हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर इन, और वी कैन राइट हियर करंट स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर in this area. देखिए, it has starting giving the answers. जो current overview है इस topic के ऊपर, ये सारा ही इसने हमें provide करना शुरू कर दिया है। Number wise हम देख सकते हैं, it has given us 6 points till now. So these are the 9 points जिसके बेस पे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जिस्टिंग ओवरव्यू क्या है, इस टॉपिक पे कौन सा काम हो चुका है। स्मार्ट सिटीज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस, फ्यूचर डायरेक्शंस। तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक होगा, आप उसको इस क्वेरी के थ्रू पास करके एक लिटरेचर का ओवरव्यू ले सकते हो। जो चैट जीपीटी का डेटाबेस है ये सितंबर 2021 तक अपडेटेड है, बट वी कैन टेक एन ओवरव्यू कि इसपे एग्जिस्टिंग काम क्या हो चुका है, जिसके बेस पे हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ वी पास द नेक्स्ट क्वेरी। प्लीज प्रोवाइड टॉप 10 सिटेशंस इन द फील्ड ऑफ एआई फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग। तो जो भी टॉप मोस्ट ऑथर होंगे या जर्नल्स होंगे वो सारे वो हमें बता देंगे, ताकि हम उनको स्टडी करके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ईज आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसने काफी सारे हमें ऑथर नेम्स और जर्नल नेम्स, कॉन्फ्रेंसेस बता दी है
जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल पे काम किया है, एआई फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग। तो ये ऑथर नेम्स हैं और ये जर्नल एंड कॉन्फ्रेंसेस नेम्स हैं। तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा, हम इनके पेपर स्टडी कर सकते हैं। जो इसके नेक्स्ट क्वेरी है वो इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ वी नीड अ लिस्ट ऑफ टॉप साइटेड पेपर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसके लिए हम लिस्ट पास आउट करेंगे, तो अभी हमें लिस्ट दे देगा उन सारे पेपर्स की जिन्होंने इस पे काम किया है। देखिए लिस्ट इज बीइंग जनरेटेड। ये साथ में ये भी बताता है कि इसको सारे रिसर्च डेटाबेस की एक्सेस जो एक्सेस है वो नहीं है, बट स्टिल जो टॉप साइटेड पेपर हैं वो सर्च करके या उनको प्रोसेस करके ही हमें बता रहा है। यू कैन गो थ्रू दीज पेपर्स एंड यू कैन मेंशन देम इन योर सिनॉप्सिस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडी ऑल्सो फ्रॉम रिस्पेक्टिव डेटाबेसिस लाइक IEEE एक्सप्लोर, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस डायरेक्ट एटसेट्रा। बट फिर भी आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि किन लोगों ने किस टॉपिक पे इस एरिया में काम किया हुआ है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिसर्च चैलेंजेस और रिसर्च गैप्स फाइंड आउट करना सबसे मुश्किल होता है, अब हम वो पास करेंगे। क्योंकि पहले हमें एक बेस बनाना पड़ेगा लिटरेचर का और सारा उसके बेस पे ही हमें रिसर्च गैप्स और चैलेंजेस प्रोवाइड कर, तो इसलिए अब मैं ये क्वेरी पास करूंगी। प्लीज प्रोवाइड पोटेंशियल चैलेंजेस एंड गैप्स बेस्ड ऑन दी करंट रिसर्च ऑन, फिर हम अपना टॉपिक का नाम लिख देंगे। देखिए नाउ इट हैज प्रोवाइडेड अस विद मेनी चैलेंजेस एंड गैप्स। इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप चूज करके अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने सारे ही इंक्लूड करने हैं, जो हमें अंडरस्टैंड हो, जिनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बन जाए या जिन पे हम काम कर सकते हैं, वी कैन पिक दोज चैलेंजेस एंड गैप्स एंड इंक्लूड इन आवर रिसर्च सिनॉप्सिस। द फर्स्ट वन इज डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका इसने चैलेंज बताया है। एंड आफ्टर दैट इट हैज प्रोवाइडेड द गैप एज वेल। आप इसको, अब जो भी आपका रिसर्च टॉपिक होएगा उसको स्टडी करिए और उसके बेस पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस डीलिंग विद डेटा स्कार्सिटी इन सर्टेन रीजंस इट इज नीडेड। सो देयर आर वेरियस टॉपिक्स चैलेंजेस बेस्ड ऑन विच यू कैन परस्यू योर रिसर्च। अब इनके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव्स अपने फाइंड आउट कर लेंगे बेस्ड ऑन द अबव रिसर्च चैलेंजेस एंड गैप्स। प्लीज प्रोवाइड 4 to 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए ये अब हमें ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर देगा कि हमने किस टॉपिक पे फाइनली रिसर्च प्रस्यू करनी है। देखिए इसने रेशनल भी बताया है और मेथड्स भी बताए हैं कि by using which method we pursue this work. So it has provided us 5 objectives with rationale and methods. Develop privacy preserving AI models for urban mobility data analysis. तो उसका rationale and methods दोनों बताए हैं। इसी तरह second objective है mitigate algorithm bias, design scalable AI solutions. Moreover इसकी जो language है वो बहुत ही professional होती है, जो research thesis के लिए या synopsis के लिए बिल्कुल appropriate है। तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी रिसर्च बहुत इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इफ ये आपके सिनॉप्सिस राइटिंग में या कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट राइटिंग में हेल्प करे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर शेयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि वेदर यू नीड मोर वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।